दोबारा हो गई हमारी सुबह स्टार्ट और मैं कल बहुत सैड थी, लेकिन आज मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा नहीं निम्रा, आज तुमने उठना है और अपने लिए करना है, तो बस मैं उठ गई हूँ और करती हूँ नाश्ता। तो फाइनली अब नाश्ता आ गया है और नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं बहुत सारे काम। अम्मी की करनी है रेसिपी मैंने शूट और अपनी भी रेसिपी शूट करनी है, तो नाश्ता करते हैं फिर मिलती हूँ नाश्ते के बाद। कर लिया है और बहुत ही मज़े का नाश्ता था। मैंने नाश्ता किया कबाब और पराठा, बहुत मज़े का पराठा था, बहुत मज़े का कबाब था, थैंक यू सो मच। तो बस अब बढ़ते हैं इस रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। मम्मा भी आज बना रही हैं, मैं भी आज बना रही हूँ, बहुत सारा है काम, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। फाइनली अम्मी आ चुकी हैं और अम्मी बनाने लगी हैं अब एक नई रेसिपी, और बात करते हैं इनसे क्या बनाएंगी आज। फ्राइड राइस मंचूरियन। अच्छा, फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाने लगी हैं। अच्छा, रेसिपी क्या है, चलें ये तो हमें आप बताएंगी बाद में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप कहाँ गई थी जो आपका गला ऐसा ख़राब हो गया? अभी मैं गई थी किसी काम। तो यहाँ पे ले ली है चिकन। चिकन कितनी है ये? 1 kg चिकन है ये, और इसका हम बनाएंगे मंचूरियन। आपने चिकन में चिकन का मसाला बनाने लगी है। चिकन ये है रखी हमारी। चिकन में आप डालेंगी नमक, हसबे जायका, क्रश चिलीज, और डाल रही हैं आप काली मिर्च का पाउडर। इसमें जाएगा चिली सॉस मामा। हाँ, एक मिनट, पहले मैं इन सबको मिला दूंगी। ओके, आप मुझे तरीका बताती रहे ताकि मैं देखें। ये मैंने अच्छी तरह से चिकन धो ली है। ठीक है, चिकन में ये मैं सारे नमक, कुटी हुई मिर्च और काली मिर्च डाल दूंगी। ठीक है, अब मैं ये लूंगी कॉर्नफ्लोर। सही है, कॉर्नफ्लोर आप कितना लेंगी? कॉर्नफ्लोर मैं अंदाजे से लूंगी। ओके, मतलब अंदाज़ा किस तरह किया जाए? ये 1 kg चिकन में आप कितना डालेंगे? मैं 2 चम्मच डालूंगी। 2 चम्मच डालेंगे। ओके, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। ठीक है, सही है। ये टेबल स्पून है, ज़रा दिखा दें। टेबल स्पून है, 2 या ओके ढाई ले लूँगी, लेकिन अंदाजे से लूँगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या डालने लगी हैं कॉर्नफ्लोर के बाद? एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखें ये 1 चम्मच, ये इसको बाइंडिंग में काम आता है। ओके, जोड़ने के लिए काम आता है जी। मामा ने यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए तैयारी कर दी है। अब मामा आप इसमें क्या करेंगे? तो फ्रिज से निकाल रही हूँ अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। मामा ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, मैं इसमें मिलाऊंगी और पहले हमें मैं बताती हूँ। अच्छा, मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सिरका और चिली सॉस। ठीक है, अंदाजे से। ठीक है, ठीक है, ताकि हमने कुटी हुई मिर्च भी डाली। ओके, ठीक है। अब इसमें आएगा सिरका और सोया सॉस। सिरका निकाल लीजिए मैंने। ओके, ये अपने। अच्छा, अब जा रहा है इसमें सिरका। ठीक है, ठीक है, तकरीबन एक सोया सॉस जा चुका है, चिली सॉस जा चुका है और सिरका डाल दिया है मामा ने इसमें। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसको अच्छी तरीके से, हाथ अच्छी तरह से साफ सुथरे। ठीक है, वरना तो हमेशा ऐसी चीज़ें जो होती हैं ग्लव्स पहन के बनाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब मामा कर रही हैं इसको मिक्स, और मिक्स करती हैं फिर मिलते हैं। ओके, अब जाएगा इसमें अंडा। अंडा आप कितने डाल रही हैं मामा? 2 डाल रही। ओके, ये 2 अंडे जा चुके हैं इसमें। ये भी ताकि जितना अच्छा इसके होगा इसकी बाइंडिंग में काम आएगा। ओके, अब मैंने कॉर्नफ्लोर, अंडा, इन सबको मिला देना। ओके, लेमिनेशन के लिए रख दिया है, अब रखते हैं इसको 15 मिनट। लेकिन इसको वैसे रखते हैं काफ़ी टाइम, हमें अभी है जल्दी, तो हम सिर्फ 15 मिनट के लिए मैरिनेट कर रहे हैं। ओके, प्री हीट करेंगी या जस्ट नॉर्मल चढ़ा देंगी? नहीं नहीं
ये तेल पास करिएगा निम्रा। ओके मेरा वीडियो हो गई, ये ले जा। कुकिंग ऑयल डाल रहा है कितना मामा? ये बस हम इतना डालेंगे, ये थोड़े से ये फ्राई हो जाए। फ्राई हो जाए। अच्छा ऐसा तो नहीं कि वो फिर चिकन खराब हो जाएगी? नहीं 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 नहीं, हम इसको तो ये हो गई है फ्राई, इस तरह फ्राई होगी और फिर इसकी बनेगी सॉस। इसमें आधा चम्मच लहसुन डालेंगे। ये अब आप सॉस बना रही हैं? अब मैं इसकी सॉस बना रही हूँ। ओके लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने। हाँ लहसुन अदरक के पेस्ट डालने के बाद अब आप डालनी है टमाटर की प्यूरी आधा कप। ठीक है एक कप डाल दी। ठीक है ठीक है ओके। ये होममेड प्यूरी है ना आपकी? जी। मिक्स कर रहे हैं। मिक्स किया एक हम इसमें। ठीक है ओके। ठीक है हमने ये डाल दिया। अब ये ज़रा सा इसकी ऊपर से आ रहा है तो अब हम इसमें काली मिर्च की ना इसी भी काली मिर्च एक भर के चम्मच एक और ज़रा सा। ओके ठीक है ताकि हम सोया सॉस कितना डाल रही हैं? एक चम्मच। कितना डाला है नमक? एक चम्मच। ओके ठीक है अब करेंगे मिक्स छिलके ऐसे। ओके चुकोर चुकोर काट के। ठीक है ठीक है ये बन रहा है मंचूरियन। ठीक है अब हम इसमें जा रहा है चिकन तो मामा ये लें चिकन और चिकन डाल दें। हम मंदी आंच कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक अंडा लेंगे। ठीक है ठीक है और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स मिक्स एंड मिक्स 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 एंड मिक्स। पीछे किचन का हो गया है सत्यानाश। मम्मी इसको भी समेटना है हमने काम के बाद। पानी डाल दिया है अब ये पकेगा। अब हल्की आंच पे करके अब हम इसको ढक देंगे। ये हो रहा है फ्राई। हमें इसमें क्या क्या जाएगा? इसमें कुछ नहीं जाएगा। ओके बस ये अब अंडे फ्राई करेंगे और रखेंगे साइड पे। जिसने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाओ लाइक करो शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो मैं वीडियो बना रही थी और मॉन्स्टर्स मेरे सामने हैं। ये मॉन्स्टर 1 है ये मॉन्स्टर 2 है ये मॉन्स्टर 3 है ये मॉन्स्टर 4 है। ये हमारे घर के मॉन्स्टर्स हैं। मॉन्स्टर्स हम इनको कहते हैं। एग फ्राई हो चुके हैं यहाँ पे वेजिटेबल फ्राई हो चुकी है। ये सब कुछ इसके साथ जाएगा? ये बाद में जब बॉयल्ड हो जाएगा। ओके अभी कर रहे हैं सिर्फ ओनली बॉयल। तो अब बॉयल कर लिए हैं राइस और इसमें डाल रहे हैं हम लोग राइस। अम्मी हाफ बॉयल है या फुल बॉयल है? हाफ बॉयल्ड है। ओके राइस हमने डाल दिए हैं इसमें। अब इसमें जा रही है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स डाल दिए हमने। अब इसमें जाएगा एग जो कि हमने फ्राई करके फेंट के रखा हुआ था बना के रखा हुआ। इसमें पकाया जो राइस है वो जा रहे हैं। अम्मी ने बिरयानी की तरह तह लगाई है। ठीक है उसके बाद जाएगा दम पे। अब दम पे पकेगा ये। आंच देख लो इसकी बिल्कुल हल्की है और ये अब करेंगे मामा मिक्स। ये हो रहा है मिक्स। इतना अच्छा कलर लग रहा है तीनों चारों के साथ मिक्स करके। अब मिक्स करने के बाद मामा कितनी देर तक दम पे रखना है इसको? बस 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। व्लॉग हो गया है एंड करती हूँ व्लॉग का एंड। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ कल ट्यूसडे वाले दिन।
एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नई मस्तियों के साथ, कुछ नई बातों के साथ, और बस वीडियो का करते हैं एंड। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। आई होप सो कि आज का ब्लॉग आपको मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि इससे मेरी जितने आने वाली वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।